तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 21 एजेंडे रखे गए और 20 एजेंडों को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि सूबे में 10 और फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी और सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया है, साथ ही अग्निवीरों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कि कुल 21 एजेंडे आज मंत्रिमंडल की बैठक में आए, जिसमें 20 एजेंडों के ऊपर ये स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का जो उद्देश्य है कि प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करना और उनको सुविधाएं पहुंचाना, ये हमारी सरकार का ध्येय है। करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामांत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद। ये 10 फसलें हैं, इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है, एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। मैं पंजाब के सरकार को भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप भी कुछ किसान की वहाँ की फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करें। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, आप भी वहाँ एमएसपी पर किसान की फसलों को खरीदने का काम करें। खाली होठ बजाने का कोई फायदा नहीं है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने बीसीबी को आरक्षण देने के संबंध में एक नई पद्धति बनाई है और आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो कैबिनेट मंथन कल हुआ है और बड़े डिसीजन लिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि क्या कुछ खास रहा कल की बैठक में। 20 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है, 24 फसलों के एमएसपी पर खरीद को मंजूरी, पहला प्रदेश बना है जो 24 फसलों के एमएसपी पर खरीद करेगा। किसानों के 140 करोड़ माफ और क्रीमी लेयर की सालाना आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, ये बड़े फैसले हुए हैं। अग्निवीरों को 5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे। तो कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में शहरी आवास योजना संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीसीबी की पंचायतों और निगमों में आरक्षण को भी मंजूरी मिल गई है। 14 शहीद के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला हुआ है। तो कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। तो कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे रखे गए, जिस पर मंथन हुआ, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं।
जिन्हें स्वीकृत किया गया है।